जय श्री राम। आज का विषय है वेद। वेदों का भारतीय समाज जीवन में अद्वितीय महत्व है। वो हमारे समाज के लिए पुरातन समय से ही धर्म, कर्म, दर्शन और संस्कृति के उद्गाता रहे हैं। कहा है, वेदोखिलो मलम मूलम। वेद सभी धर्मों का मूल है। केवल भारत ही नहीं, विश्व में जितने भी धर्म हैं उन सबकी जड़ है। और वेद ही, वेद खिलो ज्ञान मूलम, सभी प्रकार के ज्ञान का मूल है। वेद की उत्पत्ति के संदर्भ में श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि परमेष्ठी ब्रह्मा जी के हृदयाकाश से कंठ तालु आदि स्थान के संघर्ष से रहित एक विलक्षण अनाहत नाद उत्पन्न हुआ। उसी अनाहत नाद से अकार, उकार और मकार रूप के तीन मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ। ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिवर्तित हो जाती है। ओंकार ही परमात्मा का वाचक मंत्र, उपनिषद और वेदों में सनातन बीज है। स सर्व मंत्रोपनिषद्वेद बीजम सनातनम, 12:6-6:41। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने 300 वेदाश्चतुर्भिर्वेदानेर विभु सव्यारतिकान सोंकारंश्चातुर्होत्र विवक्षया, 12:6-6:44। अपने चारों मुखों से अतुल ज्ञान राशि ओंकार और व्यारतियों से के सहित चार वेद प्रकट किए और अपने पुत्र मरीचि आदि को वेदाध्ययन कुशल देखकर वेद की शिक्षा दी। वह वेद ज्ञान श्रुति के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई, तब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने मंत्र समुदायों से में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके ऋग, यजु, साम और अथर्व ये चार संहिताएं बनाई और अपने चार शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने ब्रह्मवृक्ष नाम की पहली ऋग संहिता पहल को, निगद नाम की दूसरी यजु संहिता वैशंपायन को, श्याम श्रुतियों की छांदोग्य संहिता जैमिनी को और समंतु को अथर्व गिरि संहिता का अध्ययन कराया। आगे इनके शिष्यों ने भी संहिता के अनेक भाग किए और अपने शिष्यों को पढ़ाया। ऋग्वेद में 10:64 10:28 तथा 10,552 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 40 303 अनुवाक तथा 2975 कंडिका यानी मंत्र है। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद व कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। 75 को छोड़ सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद में 20 731 सूक्त तथा 5,970 मंत्र हैं। वेदों के दृष्टा केवल ऋषि ही नहीं थे, अपितु महिला भी मंत्र दृष्टा थी। भारत माता की जय।